सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A90 के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A90 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर निकल के सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A90 जो कि सैमसंग के A9 2018 का सक्सेसर होने वाला है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन आएगा पॉपअप कैमरा के साथ। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, कुछ जो ट्रस्टेड लीकर है जो पहले से लीक्स निकल के सामने लाते हैं उनका कहना है कि जो सैमसंग गैलेक्सी A90 आएगा इसमें आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा वीवो के Nex 1 की तरह। मतलब जो फ्रंट कैमरा है वो पॉपअप होकर ऊपर आ जाएगा जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन क्या सैमसंग को ये चीज़ ज़रूरत है? अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन आएगा इन्फिनिटी न्यू डिस्प्ले के साथ। आपको इन्फिनिटी न्यू मतलब आपको कोई भी बेजल और ना आपको कोई भी नोच या फिर कोई भी होल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फ़ोन आएगा आपको लगभग 6 महीने से पहले या फिर आप जून जुलाई तक इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर होने वाला है, आपको नाक के बराबर यहाँ पर आपको बेजल देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा ये स्मार्टफोन होने वाला है। सैमसंग यहाँ पर अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दिया है और सैमसंग के ए सीरीज हमेशा से सैमसंग अपने ए सीरीज में टेस्टिंग करते आ रहा है। चाहे वो सैमसंग का A8S हो या फिर जितने भी सैमसंग के स्मार्टफोन हो, सैमसंग पहले अपने ए सीरीज में टेस्ट करता है उसके बाद सैमसंग अपने ए सीरीज में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देता है। तो सैमसंग गैलेक्सी A90 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। सैमसंग की तरफ से एक सैमसंग का एक हटके स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा जो कि बहुत लोगों को पसंद है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। आप लोगों को पसंद आ भी सकता है लेकिन सबका अपना अपना चॉइस है, आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो चलिए, एक अच्छी बात है सैमसंग अपने एसेज के ऊपर ध्यान दिया है और सैमसंग की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है। अभी तक तो ये कन्फर्म नहीं किया गया इसमें आपको कौन सा चिपसेट मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन इतना बताया गया है कि 6 GB का रैम मिलेगा और 8 GB का आपको रैम मिलने वाला है और 128 GB और 256 GB मतलब एक फ्लेक्सिबल लेवल का यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस और स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जो भी होता है आने वाले दिनों में आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सके तो यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि सैमसंग की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन आने वाला है। अच्छा खासा एक मिड फ्लेक्सिबल होगा जिसकी प्राइसिंग 30-35 हज़ार के आसपास रहने वाली है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नए हैं अगर आप लोग तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ यार शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।